Hey guys, welcome back to my channel. This is part 2 of making blue pottery at home. अगर ऐसे और वीडियोज़ चाहिए देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो मैंने पहले पार्ट में दिखाया था जेसो लगाना और मैंने उसको वन डे के लिए टोटली छोड़ दिया था. तो ये रहा मेरा जेसो का जो फर्स्ट कोटिंग था मेरे सिरेमिक प्लेट में और मुझे भूल से नियॉन पेंट लग गया था. मैं कहीं और पेंट कर रही थी बट इसमें हल्का सा लग गया. ओके आज हम इसमें जो इसका फिनिश पेंटिंग है वो सीखेंगे. तो प्लेट अभी भी नॉर्मल है, मैं पीछे अभी कोई चेंज नहीं की हूँ, नॉर्मल है, बस फर्स्ट कोटिंग ऊपर है. वो अभी मैंने लास्ट वीडियो में इतना नहीं बताया था कि जेसो क्या काम आता है. मैं बता दूँ इस वीडियो में कि जेसो एक हार्ड बेस बन जा रहा है हमारे प्लेट में, जो क्योंकि डायरेक्ट पेंटिंग में कलर बैठेगा नहीं पर जेसो हार्ड कर देगा तो हमारा वो प्लेन सरफेस बना देगा. इससे हमारे लिए इजी होगा. अब मैं आज ब्लू पॉटरी का सबसे इजी ड्राइंग करने वाली हूँ जो है चेस फॉर्मेट. और ये रहा मैंने कर दिया. और क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है तो मेरे को ये नहीं आता है कि कैसे इसमें फ्लावर से बहुत अच्छे से करते हैं. अगर आप लोगों को ब्लू पॉटरी के और वीडियोज़ देखने हो देन मैं ज़रूर आप लोगों को ये नेक्स्ट टाइम कुछ स्पेशल लाऊँगी. तो यहाँ पे अब पेंट करने के लिए चेस फॉर्मेट में जैसे कि ब्लू पॉटरी का जो है ही जो रिचुअल वाइट एंड ब्लू वैसे ही कलर्स में करूँगी. तो चेस फॉर्मेट कैसे होगा, एक में ब्लू एक में वाइट, एक में ब्लू एक में वाइट ऐसा ही रहेगा. और एकदम फिनिशिंग के साथ नहीं करना है, फर्स्ट कोट हम थोड़ा सा नॉर्मली रखेंगे. तो ये देखिए मेरा भी हल्का रफ़ हो रहा होगा क्योंकि मैं भी अभी जस्ट फर्स्ट कोट ही लगा रही हूँ. और मैं एक बार इसमें 3 नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ फॉर ब्लू एंड वाइट के लिए मैं 0 यूज़ करूँगी. तो मैं इसमें पेंट कर पूरे प्लेट में ब्लू वन बॉक्स छोड़ के कर रही हूँ. अब मैं वाइट का कोटिंग लगाऊंगी ये सूखने के बाद. याद रहे जब ये गीला हो ब्लू तब नहीं लगाना है, देन यू नो कलर फैलने लग जाएंगे और मिक्स होने लगेगा. हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना है, बहुत प्रिटी लुक आया है.